बस आपके साथ रह सकता हूँ मगर अपने भाई के साथ नहीं रह सकता। मगर काय को? इसलिए कि उसके कहने पर मेरे बाप ने मेरे को घर से बाहर निकाला, इनसे लग करके सिंगापुर से इंडिया पैदल चल के आया, मालूम है क्या है रे? इधर काय को लेके आया मेरे को तू? देख बेटा, बुजुर्गों ने कहा कि छोटे जो है ना बड़ों को तू नहीं कहते, आप कहते हैं। चला ए, मैं तेरे को आप बाप साहब कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, तू बोलूंगा तू, सुनने का है तो सुन। अच्छा मेरे बाप, मैं तेरे को आप बोलूंगा, तू मुझे तू बोलना, खुश? अच्छा भी तू है ना, यहाँ बैठ, मैं तेरे को सरप्राइज देता हूँ। क्या देगा? बॉलीवुड के हीरो नंबर वन गोविंदा के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही गोविंदा बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे और अपने डांस और कॉमेडी से सबको थिरकने और गुदगुदाने पर मजबूर कर देंगे। दरअसल हाल ही में राजा बाबू यानी गोविंदा और डेविड धवन के बीच फिर दोस्ती हो गई है। बता दें कि दोनों के बीच पिछले 15 साल से झगड़ा चल रहा था और दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब इनके बीच एक बार फिर दोस्ती हो गई है। ऐसे में जल्द ही डेविड धवन गोविंदा के साथ कोई कॉमेडी मूवी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। आपको बताते चले कि हाल ही में फिल्म निर्माता रमेश तुरानी ने दिवाली पार्टी का आयोजन किया था जिसमें गोविंदा और डेविड धवन पहुंचे थे। इस दौरान दोनों एक दूसरे के गले लगे, साथ ही इस बात का भी खुलासा किया कि दोनों का झगड़ा अब खत्म हो गया है और अब हम 15 साल पहले वाले पक्के दोस्त बन गए हैं। आपको बताते चले कि डेविड धवन और गोविंदा ने साथ में मिलकर कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन, बड़े मियां छोटे मियां, दीवाना मस्ताना और हसीना मान जाएगी जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। गोविंदा ने हाल ही में एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि लोगों को अब भी लगता है कि हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए, हमारा पैचअप पहले ही हो चुका था, दिवाली पार्टी में हमने अच्छा खाना खाया और अच्छा समय बिताया, जो बीत गई सो बात गई, अब हम हमेशा ऐसी ही दोस्ती कायम रखेंगे। गोविंदा के इस बयान के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी एक बार फिर पर्दे पर धमाल मचा सकती है। अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिस पर गोविंदा और डेविड धवन के बीच झगड़ा हो गया था और दोनों ने एक दूसरे से 15 साल तक बात नहीं की। दरअसल साल 2019 में गोविंदा ने डेविड धवन के साथ अपने झगड़े पर काफी कुछ कहा था। गोविंदा ने कहा था कि मेरे मुश्किल वक्त में डेविड ने मेरा साथ नहीं निभाया। गोविंदा ने टेलीविजन शो आपकी अदालत में कहा था कि मैंने अपने सेक्रेटरी से डेविड को फोन लगवाया था और फोन का स्पीकर ऑन रखने को कहा था ताकि मैं ये सुन सकूं कि डेविड क्या कह रहे हैं। मैंने डेविड को कहते सुना कि गोविंदा बहुत सवाल करते हैं, अब मैं गोविंदा के साथ काम करना नहीं चाहता, उसे कुछ छोटे मोटे रोल्स करने के लिए कह दो। ये सुनकर मैं शॉक्ड था और फिर मैंने उनके साथ कभी काम नहीं करने का फैसला किया। बता दें कि गोविंदा ने साल 2007 में सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म पार्टनर के बाद डेविड धवन के साथ काम करना बंद कर दिया था।